धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, NKP चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सात संगत जी, हजूर पिताजी सुनारिया धाम में जा चुके हैं और सभी सात संगत के लिए बहुत ही जरूरी सूचना आई है। सात संगत जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना इसकी किए देखना है, क्योंकि ये जो सूचना मैं देने जा रहा हूँ ये सभी सत्संगत के लिए है और बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखना है और वीडियो को लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर भी करना है, ताकि सभी सत्संगत को इस सूचना के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना सभी के लिए है, उसके बारे में पता चल सके। सत्संगत जी, हजूर पिताजी की क्या सूचना है ये बताने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दे और जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि डेरे सच्चे सौदे की सूचना हम इस चैनल पर देते रहते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सूचना रहती है और हजूर पिताजी संबंधित जो भी कोई सूचना निकल कर आती है सबसे पहले हम इस चैनल पर देते रहते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हजूर पिताजी के ऊपर जो है झूठे आरोप लगे हैं और उन आरोपों के चलते हुए कुछ सात संगत के बीच में एक ऐसी भावना उत्पन्न होती जा रही है, मैं सभी के लिए तो नहीं कहूँगा लेकिन कुछ सात संगत के मन में जो है अपने सतगुरु के प्रति उनका मन हटता जा रहा है। सात संगत जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अगर बायोडाटा उठाकर देखोगे, जब हजूर पिताजी सुनारिया मतलब केस जो लगा था, हजूर पिताजी जेल में गए थे उस वक्त, सात संगत जी मैं आपको बताऊँगा कि उस टाइम पर सात संगत की संख्या बहुत मतलब 5-6 से 6 करोड़ की आबादी में थी, अब लगभग 7-7.5 करोड़ की संख्या में सात संगत हो चुके हैं। और सात संगत जी के बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए लेकर आया हूँ। जिस तरह से भगवान राम जब सीता हरण से पहले हिरण को मारने के लिए जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं तो सीता जी बोलती है कि जाओ प्रभु श्री राम की रक्षा करो, प्रभु श्री राम के पास जाओ, उनकी सहायता करो, तो सात संगत जी लक्ष्मण जी बड़े ही मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भगवान श्री राम स्वयं भगवान है, वे कभी किसी संकट में फंस नहीं सकते। जब सीता जी कहते हैं कि संकट में फंस गए हैं प्रभु श्री राम, आप जाए उनकी सहायता करें, तो उसी तरीके से हमें भी अपना दृढ़ विश्वास ऐसे ही बनाए रखना है। सात संगत जी, हमारे सतगुरु जी को कभी कुछ हो नहीं सकता, कोई भी ऐसी ठेस नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे सतगुरु हमारे लिए भगवान है, हमारे लिए सब कुछ है। तो सात संगत जी, आपको अपना मन विचलित नहीं करना है, जो भी सात संगत अपने सतगुरु के प्रति अपना मन हटा रही है तो आपको अब उसके एहसानों को नहीं भूलना है, क्योंकि सात संगत जी हजूर पिताजी ये सभी सात संगत के लिए मिशन पर गए हुए हैं। कुछ ना कुछ ऐसी सूचना जरूर निकलेगी जो सभी सात संगत के लिए बेहद खुशी की खबर होगी। और सात संगत जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि रातें जितनी काली होती है उतनी ही ज़्यादा शानदार चमकदार तारे चमकते हैं, उसी प्रकार से अब हमें थोड़ा दुख की भावना उत्पन्न हो रही है। हजूर पिताजी बार बार जेल में जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो हमें दुखी नहीं होना है, क्योंकि जितना बड़ा दुख होगा उससे ज़्यादा 4 चुगनी खुशियाँ हमें हजूर पिताजी देने वाले हैं। जब सात संगत जी हजूर पिताजी सभी सात संगत के बीच में आएंगे तो 700 गाड़ी के साथ गए थे, 7000 गाड़ी के साथ खुशी से धूमधड़ाके से सभी सात संगत के बीच में आएंगे। तो सात संगत जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने सतगुरु के प्रति ऐसे ही विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि दिन दुगनी 4 चौगुनी खुशी हमें मिलने वाली है। हमारे सतगुरु ने हमें कभी भी निराश नहीं किया है, अब तक नहीं किया है, आगे भी निराश नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार सत्संग में भी एक बहन ने पूछा था कि हजूर पिताजी आप परमानेंट के लिए आने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हजूर पिताजी ने यही वचन किए थे कि आपको निरंतर भाव से सुमरन करना होगा, क्योंकि निरंतर भाव से आप सिमरन करेंगे तो हम जल्द ही आपके बीच में आ जाएंगे परमानेंट के लिए। तो सात संगत जी, आपने जो सेवा सिमरन हजूर पिताजी ने दिए हुए हैं उस पर अमल करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सात संगत को इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि सभी सात संगत को जो है इस इम्पोर्टेंट सूचना के बारे में पता चल सके और जो अपने सतगुरु से अपना मन हटा रहे हैं उनका मन हजूर पिताजी के प्रति ऐसे ही बन जाए जैसे पहले था, ऐसे ही बन जाए, क्योंकि सात संगत जी नाम चर्चा भी इसीलिए कराई जाती है हफ्ते में कि सभी सात संगत निरंतर भाव से हजूर पिताजी से जुड़ी रहे और सत्संग से जुड़ी रहे, और सत्संग भी हजूर पिताजी बार बार इसीलिए करते हैं। तो सात संगत जी, बस मैं इसको वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, जैसे ही कोई सूचना हजूर पिताजी की मिलेगी तो सबसे पहले हम इस चैनल पर डालेंगे, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा सात संगत को शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। जो भी नए भाई बहन आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाए, क्योंकि इस चैनल पर हम डेरे सच्चे सौदे संबंधित हर एक वीडियो डालते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।